तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फैन लाइट वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे हैं, और यहाँ पे सॉकेट पे देख सकते हैं हमारा न्यूट्रल की जगह फेस और फेस की जगह फेस आ रहा है। तो यहाँ पे दो टेस्टर लेके आपको दिखाता हूँ दोस्तों, दोनों सॉकेट के पॉइंट पे हमारा फेस आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा फैन वगैरह या फिर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं चलते हैं, सिर्फ हमारा फेस पे और न्यूट्रल पे दोनों पे हमारा फेस आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पहले क्या करना है, बोर्ड को हम नहीं खोलेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे मेन स्विच पे जाएंगे, ठीक है। आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले सभी बोर्ड को चेक करना है, ठीक है। सभी बोर्ड के सॉकेट में आपको टेस्टर लगा के देखना है कि आप दोनों टेस्टर ग्लो कर रहा है क्या, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है पहले, और उसके बाद जाना है आपको, अगर आपके घरों में एमसीबी लगा हुआ है तो आप सी बॉक्स को खोल के इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पे मेन स्विच और दो एमसीबी और एक किटकैट फ्यूज़ है। तो हम पहले किटकैट फ्यूज़ को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो किटकैट फ्यूज़ है वो सही है दोस्तों, यहाँ पे फेस पे यहाँ पे रनिंग हो रहा है किटकैट फ्यूज़ पे। और हमको क्या करना है दोस्तों, पहले हमको मेन स्विच को चेक करना है, ठीक है। मेन स्विच पे हमारा जो नीचे का सप्लाई है वो इनपुट सप्लाई है, यानी कि खम्भे से आने वाला सप्लाई है, ठीक है। खम्भे से हमारा मीटर तक आता है, मीटर से होके हमारा मेन स्विच पे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल आ रहा है, फेस की जगह फेस आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे न्यूट्रल वाला जो किटकैट फ्यूज़ है उसको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो आपको आपका जो फ्यूज़ है वो उड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ्यूज़ उड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको हमारा जितना एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है उस एम्पियर के हिसाब से आपको 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में सप्लाई आ रहा है, यानी कि बैक करंट आ रहा है, ठीक है, रिटर्न करंट आ रहा है, जो हमारा फेस सही है तो इस वजह से हमारा न्यूट्रल में फेस आ रहा है, ठीक है, सभी बोर्डों में फेस आ रहा है, ठीक है। तो आपको फ्यूज़ को लगा देना है, ठीक है। तो मैंने फ्यूज़ को लगा दिया हूँ, 10 एम्पियर का फ्यूज़ है। तो यहाँ पे लगाने के बाद दोस्तों आपको मैं स्विच पे इसको लगा देंगे तो आपका जो प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अगर कहीं पे भी शॉर्ट ना हो तो आप शॉर्ट वगैरह चेक कर लीजिए, कहीं पे शॉर्ट हुआ है कि, एक बार लगा के देख लीजिए। उसके बाद अगर शॉर्ट शॉर्ट हो रहा है तो आप उसी जगह पे जाके इसको शॉर्ट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज़ को लगाने के बाद दोस्तों मेन स्विच को ऑन कर देंगे, यहाँ पे हमारा मेन स्विच को ऑन कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑन करने के बाद दोस्तों हमारा जो घरों पे सप्लाई चला जाएगा, ठीक है, अगर ओके होगा तो। यहाँ पे हमारा कोई भी ख़राबी नहीं है, यहाँ पे लाइट आ चुका है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ, जाना है बोर्ड पे। तो यहाँ पे लाइट वगैरह देते हैं तो लाइट चालू हो चुका है, यहाँ पे मोटर भी चालू हो चुका है। तो यहाँ पे सॉकेट पे चेक कर लेते हैं एक बार, सही हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो टेस्टर ऊपर में ग्लो कर रहा है और नीचे में न्यूट्रल आ रहा है, तो मोटर का लाइन है, तो यहाँ पे मोटर भी चालू हो चुका है दोस्तों। आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।